हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सारण से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। सर कोट पहने हुए हैं, लगता है वकालत करके आज कोर्ट में भ्रमण कर रहे हैं। नहीं, हम वकील बहुत पुराने हैं, पायलट भी बहुत पुराने हैं, प्रोफेसर भी बहुत पुराने हैं और नेता भी बहुत पुराने हैं। तो आपको क्या तकलीफ लग रहा है कि अगर हम अपने कोर्ट में आए हैं तो? हम तो हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में अपीयर होते हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रोफेशन है। और सोचना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति इतना काम करता है तो ये प्रेरणा का कारण बने। मैं तो संवाद के रूप में ही काम कर रहा हूँ। सर भूपेश बघेल ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा चुनाव के सदस्य चुन रहे हैं, बल्कि इंदिरा गांधी जी के बाद अब रायबरेली के लोग देश के प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। अभी मैं छपरा में वकीलों के साथ हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि मैं आज इस ड्रेस में लोगों के बीच में हूँ और हमारे सभी वकील साथी मेरे साथ हैं। एक अच्छा माहौल, देश में भारतीय जनता पार्टी की जीत, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, बस इसी के लिए सभी वकालत में सभी से बोल रहे हैं। भूपेश बघेल क्या कहेंगे आप? अभी तो हम यही कहेंगे कि मैं कि अभी तो हम अभी आपकी बात सुनी नहीं रहे। अभी तो हम तो ये हमारे साथ राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, एक अलग लुक में नजर आ रहे हैं, लगातार जो है कोर्ट में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं और मिल रहे हैं लोगों से और लोगों के बीच वोट मांग रहे हैं। चुनाव का अंतिम दौर है, प्रचार काफी तेजी से चल रहा है और अंतिम दौर का चुनाव प्रचार है। लोगों के बीच राजीव प्रताप रूढ़ी जो सारण से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, कोर्ट में अधिवक्ताओं के बीच मिल रहे हैं। 4 जून को यह तय होगा कि जनता जनादेश किसे देती है। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।